हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भिंडी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और अगर आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल भी लसलसी नहीं बनेगी, बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनेगी और साथ ही इसका जो कलर है वो वैसे ही ग्रीन बना रहेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं भिंडी की सब्जी। इसके लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। तो यहाँ पर हरी और लाल फ्रेश मिर्च को मैंने काट कट कर लिया हुआ है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया हुआ है, क्योंकि मैं भिंडी और प्याज की सब्जी बना रही हूँ तो प्याज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। अब हम इसे प्याज को मीडियम फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है क्योंकि बाद में ये भिंडी के साथ भी अच्छे से फ्राई होती रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे क्या होगा, सब्जी का कलर अच्छा आएगा। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है मैंने, जिसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया हुआ है। तो मैं आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप भिंडी को काटें तो भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छे से वॉश करके किसी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लें जिससे कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो आपकी जो भिंडी है वो बहुत ही खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। और अब फ्रेंड्स, हम इसे खुले में ही पकाएंगे। आप चाहें तो कवर करके पका सकते हैं, बट अगर आप कवर करके पकाएंगे तो भिंडी का कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी हमें इसमें नमक नहीं डालना है, नमक भी हम लास्ट में डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो भिंडी है उसका कलर बिल्कुल वैसे ही हरा बना रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 7-8 मिनट तक ऐसे ही खुले में पका लिया हुआ है और ये काफ़ी पक चुकी है। अब हम इसे बाद में थोड़ा सा जो बचा है वो हम मसालों के साथ पकाएंगे। तो मैंने इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला हुआ है। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे जिससे हमारी भिंडी लसलसी नहीं होगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है और सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही खुले में पकाएंगे जिससे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं। और साथ ही इसमें अब हम नमक डालेंगे। क्या होता है कि अगर हम नमक पहले डाल देते तो इसका जो भिंडी का कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता। तो नमक डालने के बाद 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लें जिससे कि नमक और मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2-3 मिनट तक पका लिया हुआ है और हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर बिल्कुल वैसे ही ग्रीन बना हुआ है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं आपके लिए फिर से कोई न्यू वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।